कोई एपी सीरी है जिसका हमने सम फाइंड आउट करना है उसकी एंड टर्म तक, उसकी kth टर्म दे रखी है। फाइंड द सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ द एपी हुज kth टर्म इज दिस। अब kth टर्म दे रखी है, अब देखो kth टर्म आए, pth टर्म आए, nth टर्म आए, कुछ भी टर्म आए, उसे सबसे पहले nth टर्म के फॉर्मूले से कंपेयर करके ही रिजल्ट निकालना है। आपको ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है। यहां पर उन्होंने kth टर्म बोल दिए, तो सिंपल सी बात यहां से समझाओ कि nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा पहले, फिर कुछ और काम होगा। अब क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, हमने n टर्म्स तक का सम निकालना है ऑफ ap हुज kth टर्म इज दिस। उसकी कोई टर्म है जिसको नाम दिया उन्होंने kth, जैसे a1 होता था, है ना, a2 होता था, a3 होता था, ऐसे कोई टर्म है kth, वो उन्होंने दे रखी है 5k+1, ये दे रखी है। हमने क्या करना है, हमने ये जो टर्म्स हैं इसकी जो kth टर्म है सबसे पहले उसकी सीरी निकालनी है, फिर हमने उसका सम निकालना है nth टर्म तक। और यहाँ पर देखो, जब आप 1 फिल कर दोगे k की जगह पर 1 फिल कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा, ठीक है, ओके। जब आप इस k की जगह पर 2 फिल कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा, जो सीक्वेंस में a2 हो जाएगा। जब आप 3 फिल कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, जो सीरियल के अकॉर्डिंग तीसरे नंबर पे होगा। तो हमारे पास ये सीरीज क्या बन रही है, 6+11+16 up to so on। अब हमने इसका सम कहां तक निकालना है, n टर्म तक। तो n टर्म निकालने का, सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, SN=n/(2)2a+n-1d, ये है ना, इसमें वैल्यू फिल कर दो, आपका आंसर है बस n। तो सम निकालना है nth टर्म तक, ये nth टर्म निकालने का ही फॉर्मूला है, सम ऑफ nth टर्म तक का निकालने का यही तो फॉर्मूला है, बस इसमें a और d की वैल्यू रख दो आंसर। d कितना है अब आपका, यहां से d की वैल्यू पता चल रही है 5 है, तो चलो ये d हो गया, a की वैल्यू 6 है, फॉर्मूले में लिखो आंसर है, तो ये बनेगा SN=n/2 2a बन जाएगा 12+n-1d, d कितना है आपका 5, ऐसा हो गया। इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा SN=n/2 12+5 को अंदर मल्टीप्लाई 5n-5, इसको सॉल्व किया SN=n/2 12 से 5 आउट किए तो ओनली रेंज आने वाला है 5n+7। तो ये हमारा सम ऑफ nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है इस सीरी का जो हमें उन्होंने दे रखी थी। हालांकि उन्होंने स्टेटमेंट में दी थी, पहले आपने वो सीरी खुद निकाल ली, फिर आपने इसका सम ऑफ nth टर्म तक क्या है वो आपने क्रिएट किया है। ए नंबर सम में बोला है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। हमारे पास कोई एपी सीरी है जिसकी पहली n टर्म का सम दे रखा है, वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट, यहाँ पी और क्यू की जगह पर कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जो चीज़ हमें गिवन भी हो और उसका फॉर्मूला भी हो तो उन दोनों को इक्वल चल के ही सम चलना है, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले क्लास 10th में भी बहुत बार बताई थी। अब उन्होंने क्या दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म दे रखा है, उसका फॉर्मूला इन दोनों को इक्वल लिखो। सम ऑफ एन टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, n/2 है ना, 2a+n-1d, ये है ना, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने, pn+qn2। तो कुल मिलाकर हमने क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो बस इसको सिंपलीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या कर रहा हूँ, इस n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, ओनली एन ए, ठीक है, ओनली एन ए बचेगा, प्लस उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, n/2 ब्रैकेट में चलेगा n-1 और साथ में चलेगा इसके d, ठीक है, =pn+qn2, ठीक है। उसके बाद आगे देखो, इस n को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बने एन ए प्लस एन स्केयर माइनस एन और बाहर ब्रैकेट में चल रहा है डी, इसके नीचे चल रहा है 2=pn+qn2, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, डी को भी अंदर मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा एन ए प्लस एन स्केयर डी माइनस एन डी। अब ये 2 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख लूँ, ठीक है, ऐसे करके =pn+
क्यू एन स्केयर, इसको दोनों को मैंने क्या किया, जस्ट अलग अलग लिखा है, ठीक है, क्या किया मैंने, जस्ट इसको अलग अलग लिखा है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब मैं ना यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ, मैं इसको और इससे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन चीज़ निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, इन दोनों से मैं एन कॉमन निकाल लेता हूँ, तो जब मैं यहाँ से एन को बाहर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा है ना, ए माइनस डी अपॉन टू और प्लस एन स्केयर डी अपॉन टू इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्केयर। अब देखो, यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछोगे कि यहाँ से एन कॉमन क्यों नहीं लिया, इन तीनों से एन कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो, अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, अब मैं दोनों साइड एन वाले जो है वो कंपेयर करूँ मैं दोनों। अब इधर एन वाला कॉफिशेंट क्या है, ये है, इधर एन का कॉफिशेंट क्या है, इन दोनों को कंपेयर करूँ, क्या बनेगा, ए माइनस डी अपॉन टू इज इक्वल टू पी हो जाएगा, है ना। और एन स्केयर वाले अब कंपेयर करो, एन स्केयर इधर ये है, एन स्केयर का कॉफिशेंट ये है, इन दोनों को कंपेयर किया तो क्या बन जाएगा मेरे पास, डी अपॉन टू इज इक्वल टू क्यू, है ना, ये बन जाएगा ना। तो मैंने डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसीलिए मैंने इसको अलग अलग कंपेयर करने के लिए यहाँ से सिर्फ दो साइड ही एन लिया, तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, टू क्यू आ गई है, ठीक है, यही उन्होंने निकालने के लिए बोला था। यहाँ से आप ए की वैल्यू भी निकाल सकते हो, इसको आगे सॉल्व करना है तो कर लीजिए, आपकी ए की आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज का जो 9 नंबर सम है ना, इसको बहुत ही ध्यान से करना है। द सम्स ऑफ एंड टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशो दिस, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18th टर्म। हमें ना दो एपी सीरीज है हमारी, उनका सम रेशो में दे रखा है, तो हम उसका फॉर्मूला भी पहले रेशो में लिख देंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट दे रखा है। मैंने आपको बताया है कि जिसका रिजल्ट भी हो, फॉर्मूला भी, दोनों को इक्वल लिख के चलना है। तो जो पहला सीक्वेंस है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, n ओवर 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा पहली सीरीज़ का हो गया। जो दूसरी सीरीज़ है उसको भी ऐसे लिखेंगे, n ओवर 2, दूसरी का जो a है ना, मैं बड़ा लिख रहा हूँ ऐसे, 2a प्लस एन माइनस का 1, इसका d भी बड़ा लिखता हूँ, क्योंकि फिर ऐसे ये पता चल जाएगा ना, ये दोनों अलग अलग, ये जो है ये पहले वाली सीरीज़ का सम है और ये जो है वो सेकेंड वाली सीरीज़ का सम है, ठीक है, ऐसे हमें पता चल जाएगा। चलो, इसका रिजल्ट कितना दे रखा है उन्होंने, 5n प्लस 4 ओवर 9n प्लस का 6। तो यहाँ से ये तो पहले ऐसे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो ये रिजल्ट अब दोबारा यहाँ पर ऐसे करके आपने लिख लेना है। नेक्स्ट स्टेप में इसको यहीं पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, आपने नेक्स्ट स्टेप में ऐसे लिखना है, ठीक है। चलो, ये ऐसा हो गया हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप, इतनी बात हुई क्लियर में। अब हमने निकालना क्या है, हमने इनकी 18th जो टर्म होगी उनकी रेशियो निकालनी है, जो इसकी 18th होगी, जो इसकी 18th होगी, दोनों की रेशियो निकालनी है। तो जो पहले बात कर लेते हैं, पहले का, जब पहले की होगी, पहले की होगी, ठीक है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब हमने क्या निकालना है, रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म, ये हमारी पहली सीरीज़ है और ये सेकेंड सीरीज़ है ना, इन दोनों की जो 18th टर्म होगी उनका रेशियो निकालना है। अब पहले इसकी 18th आप कैसे निकालोगे, जब आप a में 70 टाइम d ऐड करोगे, राइट। अब नीचे वाले का कैसे करोगे, जब इसमें a में से 70 टाइम d ऐड करोगे, ठीक है, तभी आप इसका रेशियो निकाल सकते हो ना। तो इसकी आप इक्वेशन मान लो 2। अब देखो, अब आप क्या करो, इन दोनों को कंपेयर करो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आपस में कंपेयर करो। जब आप दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करोगे तो आप क्या देख रहे हो कि आपका d तो देखो सेम जैसा ही है, कि यहाँ से d ऐसा है और d ऐसा है, यहाँ पर d ऐसा है, ये तो सेम है। यहाँ पर एक पंगा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 है, दोनों के पास 2 है, यहाँ पर a के पास 2 नहीं है, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर यहाँ से 2 उड़ाने के लिए 2 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा। तो जब आप ऐसा करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट बिकम व्हेन वी डिवाइड और मल्टीप्लाई विद द 2, ठीक है। जब आप ऐसा कर दोगे तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस एन माइनस का 1 ओवर 2 डी, ठीक है, ऐसा बन जाएगा ऊपर वाले का। नीचे का भी ऐसे ही बनेगा, a प्लस
एन माइनस का वन टू अपॉन डी, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। अब दोनों को कंपेयर कर लो, ये देखो, अब इसको इक्वेशन थर्ड मान लो आप, ठीक है, इक्वेशन आपने क्या किया, इसको थर्ड मान ला। जब आप इसने थर्ड ऐसा किया, अब दोनों को कंपेयर करो, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो। जब आप कंपेयर करोगे, हमारे पास ए सेम जैसा है, सेम है, ए भी सेम है, यहाँ से हमारे पास डी 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 क्या है, इधर से क्या आ रहा है 17, और यहाँ पे क्या आ रहा है एन माइनस का 1/2, ऐसा आएगा ना। तो जब आपने कंपेयर किया, फिर यहाँ पर लिखना है नाउ नाउ कंपेयर कंपेयर इक्वेशन थर्ड एंड टू, दोनों को जब आपने कंपेयर किया तो फिर क्या बन जाएगा, एन माइनस का 1/2 इज इक्वल टू 17, ठीक है, दोनों को क्या किया, कंपेयर कर लिया। तो यहाँ से एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 35 आ रही है। एन की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 35 आई। इतनी बात हुई क्लियर में। चलो अब आगे देखो, ये जो आपने एन की वैल्यू निकालनी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट में फिल कर दो। यहाँ पर जहाँ पर n है, यहाँ पर हमने क्या लिख देना, अब 35 लिख देना है, ठीक है, n की वैल्यू जस्ट फिल करनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। चलो जब आप n की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में फिल कर दोगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा, ठीक है, जस्ट वैल्यू फिल की है n की और कुछ नहीं। तो जब यहाँ से 2 को बाहर निकालें, यहाँ से 2 को कॉमन निकाल लो, तो क्या बन जाएगा, 2a प्लस 17d, है ना, और यहाँ से 2 को कॉमन निकाला तो ये भी क्या बन जाएगा, a प्लस 17d इज इक्वल टू 179/321। इस 2 को 2 से कैंसिल करो। अब क्वेश्चन देखो, उन्होंने क्या बोला था कि हमने रेशियो निकालनी है इन दोनों की 18th टर्म की, है ना। तो अब चेक कीजिए कि हमने जब a 18 निकालना है तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं, a प्लस 17d, तो ये हमारा फिर क्या बना, a 18 ही बना। सेम काम यहीं पर, ये हमारा क्या बना, a 18, तो यही उन्होंने निकालने के लिए बोला था। तो हमारे पास कितना है, 179/321। तो ऐसे ये सम हमारा कंप्लीट हुआ। ये सम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, इसको जब आप 2 से 3 बार देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में लगेगा। 2-3 बार देखकर फिर अपनी कॉपी पर निकालें।